स्टाइलिस्ट स्टार अल्लू अर्जुन जिनकी फैन फॉलोइंग पहले से ही काफी तगड़ी है, लेकिन 2021 में पुष्पा रिलीज होने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग कुछ अलग ही लेवल की हो चुकी है और उनकी रिलीज्ड मूवीज के साथ साथ उनकी आने वाली मूवीज को लेकर क्रेज भी काफी तगड़ी होती है। सोलोडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अल्लू अर्जुन की आने वाली मूवीज के बारे में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड गाइस, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल ऑन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। अब रोल पुष्पा का। पहले बात करते हैं अल्लू अर्जुन की आने वाली कुछ अनटाइटल मूवीज के बारे में। नंबर 7 में आता है अल्लू अर्जुन की एक अनटाइटल मूवी। ये अल्लू अर्जुन की आने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसका डायरेक्टर है AR मुर्गन दास, जिन्होंने आमिर खान की मूवी गजनी को डायरेक्शन दे चुके हैं। मूवी का प्रोड्यूसर है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद, जिसको गीता आर्ट्स के बैनर तले बनाया जाएगा, जिसको 2024 से लेकर 25 के बीच में रिलीज किया जाएगा। नंबर 6 में आता है अल्लू अर्जुन की और एक अनटाइटल मूवी। आज से काफी महीने पहले एक खबर निकल के आया था कि अल्लू अर्जुन फिल्म करने वाले हैं डायरेक्टर लोकेश कनकराज के साथ। मतलब अल्लू अर्जुन की अगली मूवी को हो सकता है लोकेश कनकराज डायरेक्शन दे। अपडेट के अकॉर्डिंग ये मूवी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आने वाले टाइम पे अल्लू अर्जुन डायरेक्टर लोकेश कनकराज के साथ फिल्म करे और आई होप इस मूवी को हमें जल्दी ही बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। कि आज मुझसे किसी को पंगा नहीं। नंबर 5 में आता है अल्लू अर्जुन की और एक अनटाइटल मूवी। अल्लू अर्जुन की एक मास एक्शन थ्रिलर मूवी आने वाली है डायरेक्टर एटली कुमार के साथ। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के लिए अपने शेड्यूल खत्म करने के बाद ही उनकी अगले प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर एटली कुमार के साथ हाथ मिलाएंगे। डायरेक्टर एटली कुमार अभी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ जवान मूवी पर बिजी है और अपडेट के अकॉर्डिंग जवान खत्म करने के बाद ही अल्लू अर्जुन के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अल्लू अर्जुन ने एटली कुमार के द्वारा लिखे गए हुए कहानी को पहले भी सुन चुके हैं, जिसे अल्लू अर्जुन ने पसंद भी किया है और जल्दी ही इस फिल्म को साइन भी करेंगे, जिसको जल्दी ही बड़े पर्दे पर पैन इंडिया स्केल पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 4 में आता है AA21। AA21 अल्लू अर्जुन की आने वाली एक काफी बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसका डायरेक्टर है कोराटाला शिवा। मूवी के लीड रोल में अल्लू अर्जुन के साथ पूजा हेगड़े नजर आएंगे, जो कि पहले भी 2020 में रिलीज हुए ब्लॉकबस्टर मूवी अला भैकंदपुरमलो में एक साथ नजर आए थे। AA21 अल्लू अर्जुन की आने वाली काफी बड़ी मूवी होने वाली है और अपडेट के अकॉर्डिंग इस मूवी का बजट 100 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। ये आउट ऑन आउट एक्शन थ्रिलर मूवी होगी और इस मूवी का स्टोरी अभी तक रिवील नहीं, लेकिन इस मूवी के अंदर एक्शन सीक्वेंस भाई साहब काफी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है और इस मूवी के लिए फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो अभी देखते हैं ये मूवी कितने दिन में कंप्लीट होके हम लोगों के सामने आता है। नंबर 3 में आता है अल्लू अर्जुन की और एक अनटाइटल मूवी। अल्लू अर्जुन की एक अपकमिंग मूवी है डायरेक्टर संदीप रेड्डी भांगवा के साथ, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज को डायरेक्शन दे चुके हैं। इस मूवी का ऑफिशियली अनाउंसमेंट एक महीने पहले हो चुका है, जिसको टी सीरीज के बैनर तले बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार संदीप रेड्डी भांगवा एक खुद की यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, जिस यूनिवर्स के अंदर रणबीर कपूर होंगे एक खतरनाक गैंगस्टर और संदीप रेड्डी भांगवा के डायरेक्शन में बनने वाली स्क्रिप्ट मूवी के अंदर प्रभास होंगे ऐसे पुलिस ऑफिसर और इस यूनिवर्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है अल्लू अर्जुन का। इसको लेकर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया, लेकिन समय आने पे सब पता चल जाएगा। आपको बता दूं, अल्लू अर्जुन और संदीप रेड्डी भांगवा की ये अगली मूवी नहीं होने वाली है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी भांगवा अभी रणबीर कपूर के साथ एनिमल मूवी पर बिजी है, उसके बाद करेंगे प्रभास के साथ स्प्रिट। मतलब मान के चलो तो इस मूवी का शूटिंग 2025 के मिड या 2025 के एंड तक स्टार्ट किया जाएगा। नंबर 2 में आता है आइकन। ये अल्लू अर्जुन की आने वाली एक रोमांटिक इंटरटेनर मूवी होने वाली है, जिसका डायरेक्टर है वेणु श्रीराम, प्रोड्यूस्ड बाय दिल राजू, जिसको श्री वेंकटेश वोरा क्रिएशन के बैनर तले बनाया जाएगा। मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इस मूवी के अंदर फीमेल रोल प्ले करते हुए नजर आ सकती है पूजा हेगड़े, लेकिन इसको लेकर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया। अला भैकंदपुरमलो और पुष्पा रिलीज होने के बाद अल्लू अर्जुन की आने वाली मूवीज के लिए फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अल्लू अर्जुन की आने वाली आइकन मूवी के
लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और आइकन मूवी को काफी बड़े स्केल पर बनाया जाएगा और ये अल्लू अर्जुन की आने वाली काफी बड़ी पैन इंडियन मूवी होने वाली है। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 का शूटिंग कंप्लीट करने के बाद शायद एटली कुमार या एआर मुरुगन दास के साथ फिल्म करें और उसके बाद ही शायद आइकन मूवी को हमें देखने को मिलेगा। नंबर 1 में आता है पुष्पा 2। 2021 में रिलीज हुए अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा का ये सीक्वल होने वाला है, जिसके लीड रोल में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, विजय सिद्धुपति के साथ और भी कलाकार नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मूवी के अंदर साई पल्लवी भी नजर आ सकती है। पुष्पा रिलीज होने के बाद इस मूवी के सीक्वल के लिए फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिस लेवल पर पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही की है, इसके सीक्वल के लिए फैंस तो बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे ही करेंगे। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 पुष्पा से भी काफी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, क्योंकि इस मूवी का बजट ही 450 करोड़ की है। आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो ये मूवी किस लेवल की बनने वाली है। पुष्पा 2 का डायरेक्टर है सुकुमार जी और सुकुमार जी ने ये क्लियर किया है कि हिंदी ऑडियंस के लिए कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अब हिंदी ऑडियंस के लिए क्या चेंजेस करने वाले हैं ये तो समय आने पे ही पता चलेगा। पुष्पा 2 काफी बड़ी पैन इंडियन मूवी होने वाली है, जिसको तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेजेस के साथ रिलीज किया जाएगा। बात करते हैं मूवी की रिलीज के बारे में, तो इस मूवी को 2023 के एंड में रिलीज किया जाना था, लेकिन किसी रीजन की वजह से इस मूवी का रिलीज डेट डिले कर दिया गया। अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की, तो इस मूवी को 2024 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। सो यही था अल्लू अर्जुन की आने वाली कुछ मूवीज। इनमें से कौन से मूवी के लिए आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहे। आज अल्लू अर्जुन सर का बर्थडे है, तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे अल्लू अर्जुन सर जरूर लिख के जाना। और अभी तक आपने मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए वीडियो खत्म करते हैं। कि आज मुझसे किसी को पंगा नहीं।